विवादित बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसभा में अधिक भीड़ होने पर काले झंडे दिखाने और विरोध करने की चेतावनी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता चौहान के जन समर्थन में रैली की जा रही है। रैली को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गांव रझोहा पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी, जो अमरोहा लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की जनसभा में नियम विरुद्ध भीड़ जुटाई जाएगी तो वह उसका विरोध करेंगे। अधिक भीड़ होने पर काले झंडे दिखा करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड के तहत 100 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकती है, लेकिन अगर 100 से लोगों से अधिक रैली में लोग पहुंचेंगे तो वह इसका खुलकर विरोध करेंगे। अब देखना यह होगा कि सचिन चौधरी के द्वारा दी गई चेतावनी का प्रशासन पर क्या फर्क पड़ता है और पुलिस प्रशासन इसमें क्या रुख अपनाता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग है यहाँ पे अमरोहा क्षेत्र के अंदर नौगांवा सादात उपचुनाव में, तो आपकी क्या तैयारियाँ हैं उसको लेके, कैसे क्या कहना चाहते हो उसको लेके? देखिए, मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ 5-5 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। महामारी का हवाला देते हुए प्रशासन शासन का कहना ये है कि कोरोना में कोई भी व्यक्ति 100 लोगों से ज़्यादा की सभा नहीं करेगा, 100 में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था, मैंने खुद उनसे कहा था कि हमारे कुछ स्टार प्रचारक जो है आ रहे हैं बाहर से, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन सभाओं की हमें परमिशन दी जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 100 लोगों से ज़्यादा मीटिंग करने की परमिशन नहीं है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी दल के लोग हों। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल CM साहब जो है 100 लोगों की सभा करके यहाँ से जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे, फिर प्रियंका गांधी यहाँ पे आएंगी और 50,000 लोगों की सभा फिर यहाँ पे होगी। और हम अगर CM साहब कल 100 लोगों से ज़्यादा की सभा करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम नियम सबके लिए एक है, चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पार्टी हो। कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में 100 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी भी पार्टी को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो देखते हैं कल क्या होता है, अगर 100 लोगों से ज्यादा सभा करेंगे तो हम विरोध करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.